My name is Mohammad Akif and I am pursuing BSc MLT from IPHI. Today I am going to talk about World Tuberculosis Day, which we celebrate on 24th March. The main theme of 2021 is the cloth is stinking. What does it mean by? It means it's time to end tuberculosis. The day is to spread awareness of tuberculosis. अगर हम tuberculosis की बात करें तो हम सब इससे well aware हैं. लेकिन हम आज कुछ important जो key word होते हैं उसे मैं share करने जा रहा हूँ. What is tuberculosis? Tuberculosis is a life-threatening disease which characterized by the formation of tubercles and bronchioles in the lung. अगर हम इसके symptoms की बात करें, जो कि हमारे patient में mainly अगर होता है, वो है productive and non-productive cough and sneezing, fever, loss of appetite, abdominal pain, abdominal tightness, fatigue and chest pain. जो कि मेनली अगर हमारे पेशेंट के पास अगर कोई सफर है या इसे कैरी कर रहा है ट्यूबरक्लोसिस को, तो ये सिम्टम्स अगर होंगे. अगर इसके हम प्रिवेंशन की बात करें तो ये होता है एडिक्वेट एक्सरसाइज लें, गुड हाइजीन, हेल्थियर फूड एंड अवॉइड करें हम स्मोकिंग एंड अल्कोहल को. और जो हमारा मोस्ट जो होता है इसका वैक्सीन हम ले सकते हैं BCG वैक्सीन. अगर हम इसके फर्दर डायग्नोसिस की बात करें जो हम लैब में डायग्नोस कर सकते हैं, अगर कोई पेशेंट को दो हफ्ते से ज़्यादा वो स्नीज कर रहा है या कफिंग हो रही है, तो उसे जो हमारे लैब में परफॉर्म किया जाता है MP टेस्ट, जो कि स्पूटम से किया जाता है, वो हमें परफॉर्म करना चाहिए. और फर्दर इसके क्लासिफाइड डायग्नोसिस भी होते हैं, जो कि हमारा PCR है, एलाइजा है, मोंटेक्स टेस्ट है, TB गोल्ड है, और हमारा सिलेक्टिव मीडिया जो होता है वो होता है लुसेंट जेंसन अगार. दैट्स इट. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे. So let's know about what is tuberculosis. Tuberculosis is an airborne disease which is caused by the mycobacterium tuberculosis. It mainly affects our lungs and other parts of the body. So let's know about how it affects our eyes. आइए हम जानते हैं ऑकुलर tuberculosis हमारे आयु कैसे अफेक्ट करता है. ये मेनली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑकुलर tuberculosis और सेकेंडरी ऑकुलर tuberculosis. So in primary ocular TB, जो बैक्टीरिया होता है वो डायरेक्ट हमारे आई के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है और हम वो हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है. सेकेंडरी ऑकुलर TB, किसी पेशेंट को MT TB है वो बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आई को इफेक्ट कर सकता है. आइए अब हम जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स. तो इससे ब्लर विजन भी हो सकता है, फोटोफोबिया भी हो सकता है, रेडनेस भी हो सकती है, और फ्लैशेस जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं. सो लेट्स नो अबाउट ओकुलर ट्यूबरक्लोसिस. 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्यूबरक्लोसिस लेटेंटली इन्फेक्टेड एंड 20% ऑफ बैक्टीरिया ट्रेवल्स टू अनदर साइट्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग आई. एंड 3rd इज ओकुलर TB मे कॉज विजन इम्पेयरमेंट इफ लेफ्ट अनट्रीटेड. Good morning, my name is Ayush. I am pursuing Bachelor in Dialysis Technician from Impact Paramedical and Health Institute. On the occasion of World Tuberculosis Day, I am going to tell you about treatment of tuberculosis in dialysis patient. जैसे कि हम जानते हैं जो tuberculosis के patient है और उनकी dialysis भी हो रही है, तो उनके medicine को maintain करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि उनके body में toxicity का level common होता है और हमेशा ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन हमें डायलिसिस के बाद देनी चाहिए ताकि उस मेडिसिन का इफेक्टिवनेस बॉडी में अच्छे तरीके से बनी रहे. अगर हम मेडिसिन को डायलिसिस से पहले देते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस बॉडी को अच्छे से नहीं रहती है. और हम कुछ ड्रग्स को कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं उनको, जैसे आइसोनियाजिड और रिफामिसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड PTC. और दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन डायलिसिस पेशेंट. थैंक यू. Hello everyone, Dr. Rohit Rathore from Impact Paramedical Health Institute from Physiotherapy Department going to tell you about tuberculosis on the occasion of World Tuberculosis Day. Me and my student will give you a brief discussion about the same, and on this year the theme of tuberculosis is the clock is ticking, which signifies the urgency to act against the disease which has long been. Introduction of tuberculosis. Tuberculosis is a Latin word, according to which tubercles means round nodule and swelling, and causes means condition. It is a potential fatal contagious disease which can affect any part of human body, and it mainly affects tuberculosis.
Tuberculosis can be classified as active and latent tuberculosis. Tuberculosis can also be classified as primary and secondary tuberculosis. And tuberculosis can also be classified as pulmonary and extrapulmonary tuberculosis. We learn about causes and pathogenesis of TB and the bacteria which causes tuberculosis in animals is Mycobacterium bovis, and in human beings the Mycobacterium tuberculosis causes TB and basically spreads when a person with active TB sneezes or coughs and somebody else inhales the droplets with active TB bacteria in it, and it spreads. Signs and symptoms of TB. Signs and symptoms of TB are chest pain, coughing of blood, feeling tired all the time, night sweats, chills and fever, weight loss, loss of appetite. Diagnosis of tuberculosis include chest x-ray, examination of body fluid and microscopic examination. The treatment include antibacterial drug, immunostimulants and preventive measures, use mask, go for regular medical checkups, ventilation, take BCG vaccine and isolation. In physiotherapy management, we do percussions, vibrations and positioning. Postural drainage to secrete out the secretion out of the lung. Breathing exercises to increase the volume capacity of the lung. To increase the cough reflex, to increase the secretion out of the lung. Good health and well-being matters the most.